बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद शाहिद अजीम और मैं आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा एजेंडा है व्हाट इज मॉडेम, डिस्कस इट्स वर्किंग एंड टाइप्स। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे कि मॉडेम क्या होता है, ये काम कैसे करता है, ये इसकी वर्किंग क्या होती है, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, और फाइनली इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। मॉडेम, ये लफ्ज मॉडेम एक्चुअली दो लफ्जों से मिलकर बनता है, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर से लिया मॉड और डी मॉड्यूलेटर से डैम, मिलके बना मॉडेम। मॉडेम इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स यूजिंग टेलीफोन लाइंस। एक मॉडेम होता क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो टेलीफोन लाइंस को इस्तेमाल करते हुए दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती है। इट अलाउ कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज डेटा। टेलीफोन लाइंस को इस्तेमाल करते हुए सेंडर से रिसीवर तक डेटा ले जाने में मॉडेम हमारे कंप्यूटर्स की मदद करता है। कॉमनली यूज्ड टू कनेक्ट अ कंप्यूटर विद इंटरनेट। तो जब हम अपने कंप्यूटर के इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमें उसके बीच में एक मॉडेम लगाना पड़ता है। बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट हैव अ मॉडेम। सो इंटरनेट के ऊपर जब भी कम्युनिकेशन होगी, सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में एक मॉडेम का होना जरूरी है। अब मॉडेम का काम क्या होता है, कंप्यूटर कैन वर्क विद डिजिटल डेटा। अब हमें पता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक डिजिटल डिवाइस है, तो इसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो डिजिटल फॉर्मेट में होगा। टेलीफोन लाइन्स कैन कैरी एनालॉग डेटा। आजकल इंटरनेट का दौर है और इंटरनेट जो है ये मोस्टली टेलीफोन लाइंस को इस्तेमाल करता है, और जो टेलीफोन लाइंस होती हैं उनके ऊपर डाटा एनालॉग सिग्नल्स की शक्ल में जाता है। मॉडेम इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि सपोज हमारे पास यहाँ पे एक कंप्यूटर है जो कि डिजिटल डाटा है उसके पास, यहाँ पे एक दूसरा कंप्यूटर है जिसको हमने ये डाटा भिजवाना है, उसको भी ये डाटा डिजिटल फॉर्म में ही चाहिए, जबकि इन दोनों कंप्यूटर्स के बीच में एक तार है जो कि एनालॉग है, इसके ऊपर डाटा एनालॉग या कंटिन्यूस सिग्नल्स की शक्ल में चलता है। अब करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक डिवाइस अटैच करनी पड़ेगी जो इस डिजिटल डाटा को कन्वर्ट करेगी एनालॉग सिग्नल में, जबकि दूसरी रिसीवर साइड पे हमें फिर एक डिवाइस लगानी होगी जो इस एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करेगी। ये और ये दोनों डिवाइसेस जो हैं ये क्या हैं, ये हमारे मॉडेम्स हैं। सो मॉडेम इज यूज्ड टू कन्वर्ट डिजिटल डाटा इनटू एनालॉग सिग्नल एंड वाइस वर्सा। मॉडेम का काम क्या है, ये डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल्स को वापस डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। एट सेंडर साइड्स receives digital data from computer and convert it into analog signal. It is called modulation. Modem दो operations करता है, एक modulation और दूसरा demodulation. Sender side पे ये क्या करता है कि computer से digital data लेता है और उसको analog signal में translate करता है, इस process को हम modulation कहते हैं, जबकि receiver side में ये इसका reverse करता है, इसको network से analog signal मिलता है और ये वापस उसको digital data में convert करके अपने receiver computer को provide करता है। इस सारी कहानी को हम इस डायग्राम की मदद से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, एक ये सेंडर है और एक ये रिसीवर है, और इनके बीच में एक टेलीफोन लाइन है जिसने इनको कनेक्ट किया हुआ है। अब सेंडर के ऊपर जो डाटा है वो डिजिटल फॉर्मेट में है, जबकि ये जो बीच में वायर है यहाँ पर डाटा एनालॉग फॉर्मेट में चलता है, जबकि रिसीवर साइड पर अगेन ये डाटा डिजिटल फॉर्मेट में चाहिए। तो अब होता क्या है कि ये जो कंप्यूटर है ये अपना डिजिटल डाटा सेंड करता है मॉडेम को, वो डिजिटल डाटा जब मॉडेम को मिलता है तो वो उसको कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है एनालॉग फॉर्मेट में। ये एनालॉग डाटा हमारे वायर के ऊपर चलता है और जब पहुंचता है रिसीवर मॉडेम पे, रिसीवर उसको एनालॉग डाटा को अगेन कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्मेट में और प्रोवाइड कर देता है हमारे रिसीवर कंप्यूटर को। तो इस तरह से सबसे अहम किरदार जो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर होता है वो हमारा मॉडेम प्ले करता है। फीचर्स ऑफ मॉडेम, एक मॉडेम के चार फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है स्पीड। द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ मॉडेम कैन सेंड इन अ यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। इट इज मेजर्ड इन किलोबिट्स पर सेकेंड और मेगाबिट्स पर सेकेंड।
स्पीड क्या होती है, वो अमाउंट ऑफ डेटा या वो डेटा की वो मिकदार जो हम एक खास टाइम में सेंड कर सकते हैं। ये यूनिट ऑफ टाइम मोस्टली सेकंड लिया जाता है। मॉडम का दूसरा फीचर होता है वॉइस ओवर डेटा। मॉडम प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ वॉइस ट्रांसमिशन एंड डेटा ट्रांसमिशन एट द सेम टाइम। एक्चुअली पहले क्या होता था कि एक वक्त में या तो वॉइस कम्युनिकेशन हो सकती थी या डेटा कम्युनिकेशन हो सकती थी। मसलन या तो आप उसके ऊपर कॉल कर सकते थे या इंटरनेट चला सकते थे। जिस वक्त कॉल चल रही है इंटरनेट बंद हो जाता था, और जब इंटरनेट चल रहा होता था तो कॉल्स नहीं आती थी। लेकिन आज का जो मॉडेम है ये अपने चैनल को दो हिस्सों में डिवाइड करके उसके किसी पोर्शन में वॉइस चला रहा होता है और एक पोर्शन में डाटा चला रहा होता है, तो कॉल्स और इंटरनेट एक ही वक्त में चल रहे होते हैं। तो मॉडेम की तीसरी खासियत है सेल्फ टेस्टिंग। मॉडेम हैज़ कैपेबिलिटी टू टेस्ट इट्स डिजिटल कनेक्शन विद कंप्यूटर एंड एनालॉग कनेक्शन विद अदर मॉडेम। एक जो मॉडेम होता है उसके एक्चुअली दो कनेक्शंस बन रहे होते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा कंप्यूटर है और ये हमारा मॉडेम है और ये दूसरी साइड पे दूसरा मॉडेम है। तो ये जो हमारा मॉडेम है इसके दो कनेक्शंस बन रहे हैं, एक ये जो कि एनालॉग है दूसरे मॉडेम के साथ, और एक ये वाला जो कि डिजिटल है हमारे अपने कंप्यूटर के साथ, सेंडर कंप्यूटर के साथ। मॉडेम के अंदर ये खासियत होती है कि वो अपने दोनों कनेक्शंस चेक कर सकता है कि कनेक्शंस प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और मॉडेम की आखिरी फीचर है एरर कंट्रोल। मॉडेम यूज डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल एरर्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। मॉडेम के अंदर ये खासियत होती है कि अगर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन डाटा में कोई एरर आ जाए, डाटा में कोई चेंज आ जाए, तो ये उसको कंट्रोल करता है या उसको चेक कर लेता है और उसको डिफरेंट तरीकों से ठीक करने की कोशिश करता है। इस तरह से ये एरर फ्री कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ मॉडेम, मॉडेम्स तीन तरह के होते हैं, इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम और वायरलेस मॉडेम। हम इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले इंटरनल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम इज एन एक्सपेंशन कार्ड दैट इज इंसर्टेड इन एन एक्सपेंशन स्लॉट ऑन द मदरबोर्ड एज इंटरनल डिवाइस। द वायर ऑफ टेलीफोन इज प्लग इन टू द मॉडेम एंड इट कनेक्ट्स द सिस्टम टू इंटरनेट। इट इज डिफिकल्ट टू मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इंटरनल मॉडेम क्या होता है, ये एक एक्सपेंशन कार्ड होता है जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर ही लगाया होता है। हम इसको अपने सिस्टम यूनिट खोल के मदरबोर्ड के ऊपर जो हमारी एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं उनके अंदर प्लग कर देते हैं, देन ये हमारे सिस्टम यूनिट का हिस्सा बन जाता है। टेलीफोन की जो तार होती है वो सिस्टम यूनिट के अंदर डायरेक्ट लग रही होती है मॉडेम के अंदर, और यहीं से हमारा सिस्टम यूनिट जो है डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। ये अपनी सारी जो पावर होती है वो सिस्टम यूनिट से ले रहा होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ मूव नहीं कर सकते। ये जिस सिस्टम के अंदर लगा होता है उसी सिस्टम के अंदर रहता है। इस डायग्राम में आप एक इंटरनल मॉडेम देख सकते हैं। आप देखें कि ये एक इंटरनल कार्ड है जो हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर कहीं लग के काम करेगा और इसको सिस्टम यूनिट के अंदर ही प्लग किया जाएगा, जबकि बैक पे जहाँ पे बाकी पोर्ट्स होती हैं वहीं पे ये हमारी इंटरनेट पोर्ट भी बन रही होगी। टेलीफोन की जो तार होगी वो सीधी आके इस पोर्ट के अंदर लगेगी और यहीं से डाटा डायरेक्ट मूव होते हुए तीन सिस्टम से गुजरते हुए इन प्लग्स की मदद से वो मदरबोर्ड के ऊपर उतर जाएगा और फाइनली हमारा सिस्टम जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मॉडेम की जो दूसरी टाइप होती है वो होती है एक्सटर्नल मॉडेम, अटैच्ड एज एन एक्सटर्नल डिवाइस विद द सिस्टम यूनिट। सो इट नीड्स एक्सटर्नल पावर सप्लाई। इट इज कनेक्टेड विद सीरियल पोर्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। टेलीफोन वायर इज कनेक्टेड विद द एक्सटर्नल मॉडेम एंड देन अ बेस बैंड वायर कैरीज डिजिटल डाटा फ्रॉम मॉडेम टू द सिस्टम यूनिट। इट इज इजी टू मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक्सटर्नल मॉडेम जो होता है ये एज एन एक्सटर्नल डिवाइस हमारे सिस्टम के साथ कनेक्टेड होता है। आप देखें कि ये हमारा सिस्टम यूनिट है और ये हमारा मॉडेम है। टेलीफोन की जो तार है वो आके हमारे मॉडेम के अंदर लग रही है, ये डेफिनेटली एक एनालॉग वायर होगी, और यहां से एक डिजिटल वायर जा रही है, बेसबैंड वायर जा रही है हमारे सिस्टम यूनिट की तरफ। तो यहां पे एनालॉग जो डाटा आएगा वो हमारा मॉडेम उसको रिसीव करेगा और मॉडेम रिसीव करके देन उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके सेंड कर देगा हमारे सिस्टम यूनिट को। अब चूंकि ये सिस्टम यूनिट से बाहर पड़ा है लिहाजा इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई चाहिए, तो एक अडाप्टर लगा के इसको हम ताकत देते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आप इसकी ये वाली तार उतार के किसी भी सिस्टम के साथ लगा के इसको इजीली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे स्विच कर सकते हैं। और मॉडेम की लास्ट टाइप है वायरलेस मॉडेम। इट कम्युनिकेट्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स ओवर द एयर। वायरलेस मॉडेम जो होता है इसके साथ कोई तार इस्तेमाल नहीं होती बल्कि ये रेडियो सिग्नल्स की शक्ल में ओवर द एयर कम्युनिकेशन करता है। इट रिसीव्स डेटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड कन्वर्ट्स इनटू रेडियो सिग्नल्स एंड ट्रांसमिट्स टू द डेस्टिनेशन।
इसको कंप्यूटर से जो भी डाटा मिलता है ये उसको माइक्रोवेव सिग्नल्स में या रेडियो सिग्नल्स में कन्वर्ट करके देन उनको हवा के अंदर डिसेमिनेट कर देता है, हवा में फैला देता है, जहाँ से वो सिग्नल अपनी डेस्टिनेशन की तरफ हरकत करते हैं। इट इज़ कनेक्टेड ऑन यूएसबी पोर्ट्स एंड यूज्ड विद मोबाइल डिवाइसेस। ये मोस्टली हमारे सिस्टम की यूएसबी पोर्ट के ऊपर लगता है, वहीं से पावर लेता है और वहीं से ये डाटा रिसीव करके आगे कम्युनिकेट कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक डिवाइस है जिसके साथ ये एक एंटीना लगा हुआ है और ये वायरलेस मॉडेम है। वायरलेस मॉडेम जो सिग्नल लेता है उसको वो मतलब वो डाटा में कन्वर्ट करके हमारी इस डिवाइस को दे रहा है और ये डिवाइस आगे उसको हवा के अंदर फैला रही है। यहाँ से वो सिग्नल ऐसे स्प्रेड कर जाएगा इर्द गिर्द पूरे इन्वायरमेंट के अंदर। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है ये लेक्चर आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ भी इसी तरह मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।